हे गाइस, तो संजय गांधी नेशनल पार्क का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में आप लोग साथ शेयर किए थे, हम लोग केव गए थे और अभी हम लोग जा रहे हैं बोटिंग के लिए। तो वीडियो में बने रहिएगा और आज की वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम लोग वाइल्ड एनिमल भी देखेंगे, टाइगर, लायन, डियर, ये सब। तो वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग यहाँ बुकिंग किए थे 2 सीटर का, जिसे हमें पड़ा था, जिसका प्राइस 94 रुपीज़। बट भीड़ काफ़ी थी और शाम का टाइम हो गया था, फिर हम लोगों को टाइगर एंड लायन सफारी के लिए भी जाना था, तो इसलिए हम यहाँ एक फैमिली हम लोगों को मिल गया। तो डिस्कस करके हम लोग यहाँ पे एक बोट शेयर किए, तो सबको ही साथ में ही यहाँ पे गए थे बोटिंग के लिए। और शाम का टाइम था तो बहुत ही अच्छा हवा बह रही थी चारों तरफ, देखिए कितना ग्रीनरी है चारों तरफ। और शाम का टाइम था तो मन कर रहा था और भी ज़्यादा देर यहाँ पे रुकने का, बट लेट काफ़ी हो रही थी। और यहाँ 15 मिनट से ज़्यादा बोटिंग करना अलाउ नहीं है, तो बस 15 मिनट होते ही यहाँ पे अनाउंसमेंट होने लगती है गाड़ी का नंबर से कि आप लोग आ जाइए। तो यहाँ पे 15 मिनट बाद हम लोग आ गए वापस। चलो, थैंक यू, थैंक यू। हे गाइस, बोटिंग कर लिए, बोटिंग करके बहुत मजा आया। अभी हम लोग अब जाएंगे सफारी के लिए। हाँ, ये अपने काम करता बोटिंग हो गई है और अभी हम लोग जा रहे हैं सफारी के लिए। पहले टिकट कटा लेते हैं, बहुत ही मजा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। चलते हैं अभी सफारी के लिए, ऑलरेडी 4 बज गए और यहाँ पे 6 बजे के बाद आना अलाउ नहीं है। यहाँ पे कभी कभार शाम के टाइम में लेपर्ड पाया गया है, तो यहाँ पे देखिए कितना भीड़ है छुट्टी के दिन। यहाँ पे आ गए हम लोग टिकट लेने के लिए सफारी के लिए। सफारी के लिए हम लोग टिकट ले लिए हैं, 2 लोगों का हम लोगों को लगा है 248। तो अभी लंबी लाइन लगी हुई है, तो देखते हैं कितने देर में बस आती है, अभी बस भी नहीं आई है। और देखिए यहाँ हम लोग लाइन में लगे हुए थे और रोड के बिल्कुल देखिए यहाँ सामने में हम लोगों को 2 हिरन मिला। देखिए इधर जा रहा है एक डियर, आप लोगों को जूम करके भी दिखलाते हैं। अचानक से इतना हल्ला होने लगा, मैं तो डर ही गया, लेपर्ड वगैरह तो नहीं आ गया, बट सब देखे तो यहाँ पे सामने में 2 डियर खुलेआम यहाँ पे घूमते हुए मिल गया। तो डियर वगैरह यहाँ पे आराम से आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी बस के लिए हम लोग यहाँ वेट ही कर रहे थे और देखिए सामने में अभी हम लोग लाइन में लगे हुए हैं बस की वेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए डियर यहाँ पे और छुट्टी वाले दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड थी, तो 1 घंटा लगभग हम लोगों को लग गया यहाँ पे बस पे बैठने में। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। लास्ट में लाइन में हस्बैंड को मैं लगा दी और यहाँ पे मैं आराम से बैठ गई। इतना देर खड़े होते होते मेरे पैर भी दर्द देने लगी थी, तो फाइनली बस 1 हम लोगों की आई। फाइनली 1 घंटा स्ट्रगल करने के बाद हम लोगों को मिल गई है बस। और यहाँ पे देखिए इस साइड हम लोगों को टाइगर देखने को, लायन देखने को मिलेगा और इस साइड यहाँ पे टाइगर देखने। तो यहाँ पे हम लोगों को 25 से 30 मिनट के लिए घुमाया गया था और जिस एरिया में कोई वाइल्ड एनिमल दिख गया तो उस एरिया में 5 मिनट के लिए रोक दिया गया था फ़ोटो वगैरह लेने के लिए। तो बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी और रास्ते में फिर से जाते ही हम लोगों को मिल गया था डियर। तो डियर और मंकी आप लोगों को इधर उधर हर जगह लगभग मिल जाएगा देखने को। मेन ये था लायन और टाइगर के लिए ही, तो यहाँ पे आराम से हम लोगों को लायन और टाइगर देखने को मिला था, तो आगे आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे डियर कितना आराम से यहाँ घूम रहा है, इसलिए यहाँ पे 6 बजे के बाद अलाउ नहीं। कभी कभी यहाँ पे लेपर्ड भी आगे साइड से जैसे मेन गेट इधर से पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे अलाउ नहीं है 6 बजे के बाद आना। देखिए यहाँ पे क्या हम लोगों को मिला जाते ही, लायन देखिए कितना आराम से बैठा हो रहा है, सामने से एकदम खड़े होते हुए देखिए उठ के खड़े कैसे हो रहा है और फिर से वहाँ जाके बैठ जाएगा। तो सोच रहे थे सामने फ्रंट से इसका कैप्चर करने का, बट फ्रंट से चेहरा नहीं हो पाया उतना। तो देखिए यहाँ साइड में जाके कैसे यहाँ फिर से बैठ जाएगा, तो मज़ा आ गया देखकर। और इन सब का अपना एरिया होता है जंगल में, तो इस साइड यहाँ पे लायन देखने को मिला था हम लोगों को एक, और आगे टाइगर भी मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, कैसी लग रही है आप लोगों को वीडियो, आप लोगों को वाइल्ड एनिमल देखना पसंद है या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
थोड़ी दूर आगे जाने के बाद यहाँ पे देखिए हम लोगों को मिल गया टाइगर। यहाँ पे एक और टाइगर आगे मिलेगा, वो भी आप लोगों को दिखलाते हैं। बिल्कुल जूम करके आप लोगों को दिखला रहे, कैसे देखिए बिल्कुल फ्रंट से एकदम देखने को हम लोगों को मिल रहा था। तो वेट कर रहे थे हम लोग कब खड़े होगा, एक बार खड़े होकर भी देखना चाह रहे थे। बिल्कुल सामने एकदम था, बिल्कुल सामने। बहुत ज़्यादा डर तो नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, एक्साइटमेंट थी। तो वाइल्ड एनिमल देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। देखिए कैसे बिल्कुल सामने सोच रहे, देखिए अभी ऐसे किया था हम लोगों को लग रहा था उठेगा, पर सब कोई बस में हल्ला भी कर रहे थे लेकिन यहाँ पे उठा नहीं। और देखिए आराम से ये बैठा हुआ था, बिल्कुल रेस्ट कर रहा था। शाम का टाइम था और सनसेट हो चला था, तो हम लोगों को भी था कि चलो हम लोग कम से कम शाम में देख लें। इसलिए हम लोग और भी यहाँ पे म्यूज़ियम वगैरह, पार्क में बहुत कुछ है घूमने का, शॉप वगैरह है, तो म्यूज़ियम भी हम लोग नहीं गया। और देखिए यहाँ पे आगे जूम करके फिर दिखा रहे हैं आप लोगों को, और आगे एक और हम लोगों को टाइगर देखने को मिला था। सफारी करके हम लोग अभी जा रहे हैं वापस घर। बहुत अच्छा रहा, कैसा आप लोगों को लगा वीडियो, कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बिल्कुल पास से हम लोग देखे थे टाइगर लायन को, तो मज़ा आ गया। डियर तो ऑलरेडी हर जगह मिल रहा है यहाँ पे घूमते हुए, तो बहुत ही मज़ा आ गया, पैसा वसूल हो गया। तो अभी 5:30 हो रहे हैं, चलते हैं, देखते हैं रास्ते में ही डिनर कुछ कर लेंगे। 1 घंटे में वैसे पहुँच जाएंगे, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अर्ली है, लेकिन दिन में हम लोग हल्का फुल्का ही फ्रूट वगैरह खा लिया, तो भूख भी लग गई है। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और यहाँ पे पार्क के ही अंदर यहाँ पे स्टॉल बहुत सारा लगा हुआ था, फ्रूट वगैरह का, खीरा वगैरह मिल रहा था। तो हम लोग यहाँ पे फिर से फ्रूट खीरा ये सब थोड़ा बहुत खा लिए। फिर रास्ते में 1 घंटे का ट्रैवल करना था, तो हम लोगों को भूख तेज़ लग गई थी, इसलिए यहाँ पे रुक के हम लोग पहले खा के फिर हम लोग यहाँ से निकले। और अंदर में एक शॉप हम लोगों के दिखी, तो गए हम लोग अंदर, सोचे कि देखते हैं मैग्नेट वगैरह मिल रहा है तो ले लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ था नहीं वैसा, यहाँ पे टी शर्ट वगैरह मिल रहा था, पर्स वगैरह था, बोतल वगैरह था, तो यही सब था। बस देख के बाहर से ही हम लोग वापस आ गए। यहाँ हम लोग आ गए हैं बाहर संजय गांधी नेशनल पार्क के। देखे यहाँ पे ये एंट्री गेट है। Hey guys, तो 2 मिनट में अभी हम लोग कैब आने वाली है, तो चलते हैं यहाँ पे। तो 2 मिनट में कैब आती है तो चलते हैं घर, भूख बहुत तेज लग गई है। देखते हैं रास्ते में या फिर घर पे कुछ मंगवा के खाएंगे, भूख बहुत तेज लग गया है। यहाँ घूमने के लिए 7 से 8 घंटा तो आराम से यहाँ पे लग जाएगा। केव वगैरह 109 केव अगर पूरा घूमना है तो 1 दिन तो पूरा लग जाएगा। बहुत ही बड़ा है संजय गांधी नेशनल पार्क, तो आप लोग भी जाना चाहते हो तो एक टाइम जरूर जा सकते हैं। तो हम लोग घर पहुँच गए हैं, बहुत ही मजा आया आज का दिन, कैसे स्पेंड हो गया। 7-8 घंटा आराम से हम लोगों को लग गया, 10-11 बजे हम लोग निकले थे और अभी रात के बज रहे हैं 7, तो हम लोग आ गए हैं। भूख भी तेज लग गई है, देखते हैं कुछ बना लेते हैं या फिर कुछ ऑनलाइन मंगा लेंगे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।